गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण मैं स्वागत करुच्चे मोजिता फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटे रही महामारी के आक्रांत क्यों जिले के सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यही भिड मध्यम रही तेणु आपण मैंने दुई मिनिट अधिक समय दे यही भिड को शेष पर्यंत देखु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिड कि न्यूज पेपर देखा पड़ेनि से चलत डेनकोरी भिड उपर नजर पकड़ा नजर पकवा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिड देखुं तो तले दी नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिड सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था जहाद्वारा आम जी नुआ भिड आण आपण पहुँच सर्वप्रथमें नंबर एक आसला पुणी ब्यागधारी बहुत बड़ खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अकाउंट थे आपण बड़ खबर जहाँकि ग्राहकों पर सतर्क सूचना जारी करती एसबीआई तेरे ब्यांक पक्ष कहुए आज तीन दिन पर्यंत ब्यांकर किसी स्वतंत्र कम करना एने ब्यांक पक्ष ट्विट कर सूचना दीजाई तेरे एसबीआई ट्विट कर सिस्टम रक्षणबेक्षण 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख अक्टोबर ब्यांकर किसी सेवा बंद रही सेवे इंटरनेट बैंकिंग यूनो यूनो लाइट और यूपीआई सामिल रही जहाँकि ब्यांक निज ग्राहक मानक उन्नत सेवा जोगाई समय समय अपडेट करें जहाद्वारा ग्राहक मान डिजिटल सुविधा अति सहजरे मिली पार नंबर दुई समस्त रेल यात्री आसला पुणी बड़ खबर देश में महामारी मामला निश्चित भाव ह्रास पाँच किंतु विशेषज्ञ मैंने विश्वास करते वर्तमान महामारी प्रोटोकल अनुसरण करवा आवश्यक यह दृष्टि रखे भारत रेलवे महामारी प्रोटोकल वृद्धि करने को निष्पत्ति जहाँकि आसंता 6 मास रेल प्लाटफर्म ए ट्रेन में मास्क पिंधा बाध्यतामूलक हो जदि के नियम उल्लंघन करती तेरे विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण एवं निर्देशावली अनुसार 17 अप्रैल 16 अक्टोबर पर्यंत जारी कर नूतन नियम एवं नुआ निर्देशनामा अनुसार एवं मास्क न पिंधे 500 टंका पर्यंत जरिमाना देवा पड़ा नूतन नियम जारी कर नंबर तीन पुणी बढ़ला पेट्रोल और डीजेल दर पुणी बढ़ला तैल दर जहाँकि अंतर्जात तैल मूल्य वृद्धि क्रमगत चतुर्थ दिन हार वृद्धि पाथ्वर अक्टोबर 9 पेट्रोल और डीजेल मूल्य सारा देश में सर्वकालीन रेकर्ड कि सर्वोच्च स्तर में पहुंची जहाँकि राष्ट्रायत ईंधन व्यवसायी मूल्य वृद्धि अनुसार पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 30 पैसा और डीजेल लिटर पिछा एवं 35 पैसा वृद्धि पाई नंबर 4 आसला पुणी समस्त विमान यात्री बहुत बड़ खबर भारत कठोर अभिमुख्य पर नरम पड़ा ब्रिटेन एणिकी कोविशील्ड टीकार दुईट डोज नहीं भारत को ब्रिटेन में क्वारंटाइन रहा पड़ना जहाँकि आसंता सोमवार नियम लागू होब तेज पूर्व कोविशील्ड टीका नहीं भारतीयों पर ब्रिटेन में क्वारंटाइन नियम को बाध्यतामूलक जहाँकि आसंता 11 तारीख कोविशील्ड टीका ब्रिटेन मान्यता प्राप्त जेकोसी टीकार दुईट डोज नहीं क्वारंटाइन रहा पड़ोनि एथपाई दुईट देश मध्य क्वारंटाइन बिवाद अंत हो नंबर 5 पार्वण में महामारी भाइरस नियम मानवाक परामर्श महामारी ह्रास पाते भी संपूर्ण दूरे जाएनी एवण में सतर्क रहा परामर्श देते डीएमईटी सीबीके महांति जहाँकि पार्वण समय सरकारी कर्मचारी कि समस्त को महामारी गैलेन मानवाक से कहते आहरी भिड़ को दूरे रखिले आम महामारी संक्रमण बर्ती पार समस्त से अनुरोध कर नंबर 6 आसला समस्त झील मानक बहुत बड़ खबर एणिकी आर्मी कॉलेज केवल छात्र पढ़ेनि सहित छात्री मैंने भी पढ़ी पारे जहाँकि राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज आरएमसी रे एक राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूल एवं छात्र छात्री मान को एडमिशन मिलिबो एवं सुप्रीम कोर्ट कहिबा अनुसार प्रतिरक्षा मंत्रालय एने कहि जे सुप्रीम कोर्ट दायर होइतिबा सत्यपाठ अनुसार रिक्त स्थान भरिबा सहित अन्यन सुविधा पई अधिकारी अनुमति आवश्यक यह तृतीय पर्याय पूरण करायो ओली से सूचना प्रदान करिसेंति एवं आरआईएमसी रे पढ़ापी छात्र छात्री मैंने 2022 जून में प्रवेशिका परीक्षा दे पारे और प्रथम पर्यायर छात्र छात्री संख्या 250 रु 300 को वृद्धि जहाँकि प्रति 6 मास 5 जन छात्री को सुजोग दिजाव नंबर 7 आसला पुणी पाणीपाग सूचना को बहुत बड़ खबर आज किसी जिला को वर्षा और वज्रपात विपद रही जहाँकि राज्य में 11 जिले में वर्षा और घड़घड़ी होगा पूर्वानुमान कर पाणीपाग केन्द्र तेरे केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ जाजपुर ढेंकानाल गंजाम गजपति नुआपड़ा संबलपुर नवरंगपुर रायगड़ा आदि जिलागुड़ी को पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाएगी।
ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଆଠ, ଏହି ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନଥିଲେ ଅଫିସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ଖୋଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ଯୋଜନାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରା କରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ DDMO ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବଳି ମାନିବା ସହ ଅନିବିମାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର ନଅ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆବାସୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଆରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆପ୍ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ଗୋଆ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 7ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ଗୋଆରେ ଆପ୍ ସରକାର ଗଠନ କଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିପରି ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାସିକ 3-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 80% ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ ରହିବ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପରିବାର ପିଛା ଜଣକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଦଶ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ଟାଟା। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା, ଯାହାକି ସରକାରୀ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୀର୍ଘ 68 ବର୍ଷ ପରେ ଟାଟା ସନ୍ସ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ନିଲାମ ଡକାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଟାଟା ସନ୍ସ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଲାମ ଡାକି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି। ନମ୍ବର ଏଗାର, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବକାଶ, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହି ଅବକାଶ ସମୟରେ 11 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବସି ଜରୁରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀ କଟକଣା ମାନି ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର ବାର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଜି ସଂରକ୍ଷଣ ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ କେଉଁ ଆସନ କାହା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହାକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଏହି ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଆପତ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର ତେର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏକ ଟୋୟ ଟ୍ରେନ୍ ବସି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବୁଡ଼ିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯାହାକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ଏହି ଟୋୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ଯାହାକି ନନ୍ଦନକାନନରେ ବୁଲାବୁଲି ନିଆରା ଅନୁଭୂତ ଆଣିଦେବ ଏହି ଟୋୟ ଟ୍ରେନ୍। ନମ୍ବର ଚଉଦ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଣ୍ଡାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କର 11% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 4 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ  3.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 17%ରୁ ବଢ଼ି 28%କୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ 11% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ବକେୟା 3 ମାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ଯୋଜନା ଦେୟ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ଯୋଜନା ଦେୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 4,800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
जीआईएस बाबदे 7500 टंका देवाकु पडुथवा बले इहा ता 20000 टंका को वृद्धि करा जैछि। सेहि परे 5400 तदुद्धतु ग्रेड पेड पाउथवा कर्मचारी को जीआईएस बाबद दय को 12000 टंका रो 30000 टंका को वृद्धि करा जैछि एवं इहा हेउछि कर्मचारी मानको पई जीआईएस एक सामायिक सुरक्षा योजना जाकि चाकरी दे थिबा बले जदि कर्मचारी को मृत्युरण करथि ताको एही अर्थराशि मिलि पारिबो। नंबर 16 किसान को पई आसुछि 15 लाख टंका एपीओ योजना केंद्र सरकार को तरफ कृषकों पर एक खुशी खबर आसी जाकि सरकार कृषकों आय को द्विगुण करने नहीं एक नुआ योजनार शुभारंभ करने को जाकि नुआ कृषि बिल लागू होगा पर सरकार कृषि को एक बिजनेस रूप ने जाती योजना माध्यम सरकार 15 लाख टंका जोगे देवा को लक्ष्य रखी बोले कृषकों पर एक बड़ उपहार सदृश हो तेबे ही योजना को नहीं फार्मास प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख टंका प्रदान करा जीवो एवं इस स्कीम रो फायदा नेबा पई 11 कृषकों को मिसी करी एक संगठन बा कंपनी तैयारी करबा को पड़िबो। फलरे ए योजना माध्यम रे कृषकों को कृषि संबंधित समस्त उपकरण फर्टिलाइजर्स बीज मेडिसिन आदि किनिबा बहुत सहज होई परबो बोली कहा जायछि। नंबर 17 सब छात्र छात्रि को मिलिबो टंका ग्रामीण भूमिहीन परिवार को पई सरकार विभिन्न भावरे विभिन्न योजना प्रदान करी आसुचंती ई क्रमरे केंद्र सरकार आम आदमी बीमा योजनार शुभारंभ करिसंती। यह एक सामयिक सुरक्षा योजना जहाँकि ग्रामीण भूमिहीन परिवार को सहायता जोगाइब जदि कौन ग्रामीण भूमिहीन परिवार मुख्य अकाल मृत्यु हुए तेबे पर दुर्दिन आरंभ हो जाए तेबे समय यह योजना माध्यम से आर्थिक सहायता मिल पार जहाँकि योजना माध्यम लाभ उठावाई आवेदनों बयस 18-59 वर्ष बयस होता दरकार। ये योजनार बेनिफिट परिवार मुख्य किंबा बीपीएल परिवार रोजगार करुवा व्यक्ति उठे पारे और योजना लाभार्थी को एका संगे 5 लाख टंका मिली थाई एवं आवेदन मृत्यु प्राकृतिक कारण होते पर 30000 टंका दी जाए और दुर्घटन मृत्यु हेले 75000 और शारीरिक विकलांग हेले 75000 टंका मिल पार। नंबर 18 चाषी भाई आसला बड़ खबर एमती पाइबे पीएम किसान रो दशम किस्तीर टंका पीएम किसान योजना माध्यम रे आपण शामिल अछंती कि जदि हां तेबे आपण को पाई बड़ खबर जदि केंद्र सरकार को पक्ष मिली आर्थिक टंका जदि आपण पाई नहंती तेबे चिंता करंतु नहीं जाके केंद्र सरकार को निष्पत्ति अनुसार आपण टंका पाई पारिबे। तेबे कृषि विभाग अक्टोबर 11 रो 13 तारीख पर्यंत राज्य समस्त जिला रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिवस आयोजन करिछि एणु बैठक रे चासी भाई माने आधार नंबर निजर नाम बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड दाखल करी रजिस्ट्रेशन करी परबे जहाँ पर आगामी डिसेंबर मिलवाक टंका पाइबारे कौन से असुविधा हेबो नाही एवं वर्तमान पीएम किसान योजना पोर्टाल नूतन पंजीकरण बंद हो जाइछि। नंबर 19 आसिला पुनी समस्त राशन कार्ड धारी बहुत बड़ा खुशी खबर राशन कार्ड हिताधिकारी आसिला पुनी खुशी खबर जहाँकि केन्द्र सरकार एवं बिना राशन कार्ड मागणारे राशन देउछंती तेबे देशर अनेक राज्य एवं नूतन नियम अनुसार मागणारे राशन दियाजुछि एवं दिल्ली एनसीआर मध्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होगा पर अन्य राज्य गुड़िकर मध्य फ्री राशन मिल आरंभ हो जातीत यूपी बिहार मध्यप्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र झारखंड में पूर्व ही राशन कार्ड नथिबा सत्वे फ्री राशन दी सहित देश में नुआ राशन कार्ड सहित पुराणा राशन कार्ड ना जोड़ा और हटेबा काम जारी रही किंतु एथिपाई जरूरी यह आपण राशन कार्ड आधार सहित किंवा बैंक खाता सहित लिंक होगा जरूरी किंवा उचित। नंबर 20 यही मान को प्रति मास रे मिलिबो 1000 टंका रिहाती राजस्थान अशोक गहलोत सरकार राज्य कृषकों पर मुख्यमंत्री किसान मित्र एजेन्सी योजनार शुभारंभ किंवा आरंभ करिसंती योजना माध्यम सरकार कृषकों को बिजली उपरे प्रति मास 1000 टंका अर्थात वर्षक 12000 टंकार अनुदान देवे जहाँकि सरकार दावी अनुसार यह योजना द्वारा लघु एवं मध्यम वर्गीय कृषकों पर बिजली प्राय मागणा हो योजनार मुख्य उद्देश्य होची जे कृषकों आर्थिक संबल प्रदान करने एथिपे 1450 कोटी टंका प्रस्तावित हो राज्य सरकार अनुसार कृषि उपभोक्ता बिजली बिल प्राय प्रतिमास 1000 टंका पर्यंत देवाकू पड़िबो नाही।